एक तो बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के अपनी ही सरकार, अपने ही सीएम और अपनी ही पार्टी के नेता मनीष ग्रोवर पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप, ऊपर से उनके आरोपों पर चल रही बयानबाजी। इस वक्त हरियाणा में यही सब चर्चा के केंद्र में है। अब इस मामले में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब सत्ता पक्ष का सांसद अपने ही सीएम पर आरोप लगाता है तो सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रोहतक चलाते हैं। सांसद जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है तो सरकार की कार्य प्रणाली तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के अंदर आई जाती है। आपको लगता है द्वेषपूर्ण भावना से काम हो रहा है प्रदेश में? प्रदेश में कोई काम ही नहीं हो रहा, फेलियर सरकार है। किसी फील्ड को उठा के देखिए, रोहतक में खड्डों का शहर बन गया है। बात मुख्यमंत्री करते हैं कि मैं 120 करोड़ रुपया दे दिए काम करवा लियो। कहाँ 120 करोड़, कहाँ लगेंगे, कब लगेंगे? जो ये बारिश सीजन आ जाएगा और सारा हमारे सारे लोग जहाँ पर दुखी हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर के पानी और इसका सैनिटेशन का, इन्वायरमेंट का सब कुछ होना चाहिए। जिस जो प्रदेश अपने नागरिकों को पानी नहीं दे सकता वो कैसी सरकार देगा? सांसद लगता है घुटन महसूस कर रहे होंगे। संसदीय प्रणाली के अंदर, राजनीति के अंदर शिष्टाचार और मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति शिष्टाचार और मर्यादा की परवाह करके और बातें करता है और वो बातें निम्न स्तर की बातें की जाती है, ना तो उनको लोग पसंद करते हैं, ना जनता पसंद करती है। और एक अच्छे आचरण के साथ पॉलिटिकल आदमी को हमेशा ही मर्यादा में रह के सारी बातें बोलनी चाहिए। इन विच कैपेसिटी, व्हाट इज हिज कैपेसिटी बताइए। वो विधायक हैं, यहाँ पर मंत्री हैं, या उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी हुई है, या कुछ है? किस बात के लिए रोहतक चला रहे हैं? किस बात के लिए? चार बार का हारा हुआ एमएलए है और आगे भी समय बताएगा। बता दें कि भारत भूषण शर्मा रोहतक कैनाल रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने पहरावर में जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही अमृत योजना के तहत खर्च हुए पैसों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। बीबी बत्रा की माने तो अरविंद शर्मा के बगावती स्वर हैं, जिनको सुनकर लगता है जैसे उनको भाजपा में कोई घुटन महसूस हो रही हो। बहरहाल अभी अरविंद शर्मा के अपनी ही सरकार के साथ ये विवाद कब तक समाप्त होंगे कहा नहीं जा सकता, मगर उनके इन बयानों से कांग्रेस को एक मौका जरूर मिल गया है जिससे वो भाजपा पर हावी होने की कोशिश में जुटी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।